पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में बारी स्टूडियोज को मरकजी हैसियत हासिल है। बारी स्टूडियोज के मालिक मलिक गुलाम बारी, जो कभी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने कई दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। मगर एक अदाकारा से इश्क उन्हें न सिर्फ सड़क पर ले आया, बल्कि वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। मलिक गुलाम बारी और उनकी महबूबा अदाकारा सिलोनी लाहौर फिरदौस मार्केट के करीब गुलबर्ग कब्रिस्तान में एक दूसरे के करीब महवे इस तरह थे। मगर इन दोनों के इश्क की कहानी क्या है? बारी स्टूडियोज के अरूजो जवाल की हकीकी दास्तान क्या है? अदाकारा मुमताज, जिनका असल नाम रिफत बेगम है, क्या वाकई जुल्फकार अली भुट्टो उन पर फरिफ्ता हो गए थे? और हबीब जालिब ने ये नज़म लड़काने चलो वरना थाने चलो उन पर लिखी थी? मुमताज बेगम की राहिल बारी से शादी और फिर तलाक कैसे हुई? कनाडा में मुकीम इमिग्रेशन कंसल्टेंट खालिद कयूम अवान के साथ उनका क्या रिश्ता है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बारी स्टूडियोज की तारीख और अदाकारा मुमताज की कहानी के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं नया सिलसिला दास्तान। हाजी मलिक दीन मोहम्मद के साहबजादे मलिक गुलाम बारी, जो एक वजीह सूरत जहीन नौजवान थे, उन्होंने पहले अपने मामू हिदायतकार और फिल्म साज नज़ीर अहमद खान के साथ काम किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फाउंडिंग फादर नज़ीर अहमद खान ने 3 शादियां की। उन्होंने पहली शादी अपने कज़न डायरेक्टर के आसिफ की हमशीरा सिकंदरा बेगम से की। ये वही लेजेंडरी डायरेक्टर के आसिफ हैं जिन्होंने मुग़ल आज़म जैसी शाहकार फिल्म बनाई। नज़ीर अहमद खान ने हिंदू खटक डांसर सितारा देवी के साथ दूसरी शादी की। सितारा देवी ने उनकी खातिर इस्लाम भी कबूल किया, मगर ये शादी ना चल सकी। सितारा देवी ने नज़ीर खान से तलाक लेने के बाद अपने साबका शोहर के कज़न और अपनी सोतन यानी नज़ीर खान की साबका अहलिया सिकंदरा बेगम के भाई के आसिफ से शादी कर ली। नज़ीर अहमद खान ने तीसरी शादी ट्रेजेडी क्वीन करार दी जाने वाली अदाकारा सुरन लता से की। ये तफसील बताने का मकसद ये था कि बारी ख़ानदान में एक से ज़ायद शादियों की रिवायत बहुत पुरानी है। मलिक गुलाम बारी के बारे में बताया जाता है कि एक बार एवेन्यू स्टूडियो के मालिक ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया तो उन्होंने ठान ली कि इससे कहीं जदीद और बड़ा स्टूडियो बनाकर दिखाएंगे। मलिक गुलाम बारी ने बतौर फिल्मसाज अपने कैरियर का आगाज़ माही मुंडा से किया और फिर 1950 की दहाई में इसी एवेन्यू स्टूडियो में सुपरहिट फिल्म यक्के वाली बनाकर सबको हैरान कर दिया। चली तुम्हारी बई पार्टी लो पारी बई जानदा है खाली जी आ जाओ टंकाली जी ले दो गले भई शाही महले भई मालमक रोड जी दी डंग रोड जी पे दिल जदो लग जावे बनवस विच रहंदा आई लव यू यू लव मी साढ़े वाल तक तेरा जाना है कि लप पतला पतंग तो गोरा गोरा रंग मेरी नवी नवी तंग नाले तक कांच नाले चरमावे हाय वे मेरे दिल विच तेरी आराम बेलिया। इन दोनों
दोनों फिल्मों से हासिल होने वाली आमदन से मलिक गुलाम बारी ने मुल्तान रोड पर सैदपुर के इलाके में 120 केनाल जमीन खरीदी और जदीद तरीन फिल्म स्टूडियो बारी स्टूडियोज की बुनियाद रखी। अगर हम मलिक गुलाम बारी की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी पहली शादी दिलीप कुमार के भाई अदाकार नासिर खान की साबका अहलिया सुरैया बेगम से हुई। मलिक गुलाम बारी ने दूसरी शादी अदाकारा नजमा बेगम से की। अदाकारा नजमा मलिक गुलाम बारी के मामू नज़ीर अहमद खान की साबका अहलिया सुरन लता की सहेली थी। नजमा बेगम और मलिक गुलाम बारी के यहाँ तीन बेटों राहील बारी, खुरम बारी और जर्क बारी ने जन्म लिया। एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम सामिया बारी है और उनकी शादी इनायत हुसैन भट्टी के साहबजादे नदीम अब्बास भट्टी से हुई है। इनायत हुसैन भट्टी के फर्जंद वसीम अब्बास भट्टी भी मारूफ अदाकार है। मलिक गुलाम बारी की अज़दवाजी ज़िंदगी में तब भूचाल आ गया जब एक खूबरू अदाकारा सिलोनी ने उनके यहाँ कदम रखा। अदाकारा सिलोनी जिनका असल नाम ज़हरा बेगम था, उन्होंने 67 फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि एक बार मलिक गुलाम बारी ने हंसी मजाक में सिलोनी से प्यार का इजहार किया और फिर पीछे हटना दुश्वार हो गया। बकुल अदीम हाशमी, उसने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की, मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। मलिक गुलाम बारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मलिक गुलाम बारी ने समझाने की कोशिश की कि उनकी बीवी है, बच्चे हैं, वो शादी नहीं कर सकते, मगर सिलोनी ने नींद की गोलियाँ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली तो मलिक गुलाम बारी को भी उनकी जिद के आगे सरेंडर करना पड़ा। अदाकारा सिलोनी से शादी तूफान का पेशे खैमा साबित हुई। बेटे जो अब बड़े हो चुके थे, उन्होंने गुलाम बारी के खिलाफ बगावत कर दी। मलिक गुलाम बारी को अपने उस बारी स्टूडियो से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने बहुत चाहत और अरमानों से बनाया था। अहलिया नजमा बेगम जो अपने दौर की मारूफ अदाकारा थी, उन्होंने दूसरी शादी करने पर अपने शोहर मलिक गुलाम बारी का घर में दाखिला बंद कर दिया। यहाँ अपनी सल्तनत से यूं बेदखल कर दिए जाने और सिलोनी की मोहब्बत में सब कुछ लुटाने के बाद मलिक गुलाम बारी अपनी बीवी सिलोनी के साथ दुबई चले गए और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू की। इधर लाहौर में मलिक गुलाम बारी के बेदखल हो जाने के बाद बारी स्टूडियोज को भी नहुसत ने घेर लिया। फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। शादी के एक मंजर की रिकॉर्डिंग के दौरान दुल्हन डोली से गिरी और उसकी टांग टूट गई। फिल्म इंडस्ट्री में तो हम परस्ती बहुत होती है, चुनाचे इन माफूकुल फितरत वाकयात से परेशान होकर बारी स्टूडियोज के मालकान ने इलाके के बुजुर्गों से रब्ता किया, जिन्होंने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग दफन है और वो आपसे खुश नहीं है, अगर आप इन परेशानियों से नजात पाना चाहते हैं तो उनका मज़ार तामीर करें। चुनाचे 1990 में यहाँ हज़रत बाबा गैब शाह वाली हैदरी कलंदरी सरकार का मज़ार तामीर किया गया, लेकिन इस मज़ार की तामीर के बावजूद नहुसत के साए कम ना हुए और बारी स्टूडियोज़ दिन ब दिन जवाल पजीर होता चला गया। बारी स्टूडियोज़ के मालिक मलिक गुलाम बारी लगभग 43 बरस की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो 15 अक्टूबर 2010 को उनकी अहलिया सिलोनी 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। सिलोनी को गुलबर्ग कब्रिस्तान में दफन किया गया तो मलिक गुलाम बारी ने वसीयत की कि उनके फोत हो जाने के बाद उन्हें सिलोनी के करीब सपुर्द खाक किया जाए। चुनाचे जब 22 दिसंबर 2015 को 91 साल की उम्र में मलिक गुलाम बारी का इंतकाल हुआ तो उन्हें फिरदौस मार्केट के करीब गुलबर्ग कब्रिस्तान में अपनी चहेती बीवी ज़हरा बेगम अल मारूफ सिलोनी के पहलू में दफन किया गया और यूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ये लव स्टोरी अपने अंजाम को पहुंची। मलिक गुलाम बारी की वफात के बाद न सिर्फ बारी स्टूडियोज उजड़ गया बल्कि उनके वर्षा में जायदाद की तकसीम के हवाले से झगड़े शुरू हो गए। कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब माजी की मशहूर अदाकारा मुमताज़ इस विरासत में हिस्सा वसूल करने के लिए कनाडा से पाकिस्तान वापस आए, मगर मलिक गुलाम बारी के बड़े बेटे राहील बारी ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। रिफत बेगम अल मारूफ अदाकारा मुमताज़ क्या वाकई राहील बारी की अहलिया हैं और ये अदालती और कानूनी जंग का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा?
उसको लॉक किया हुआ है। हाँ, बाप किसी से मिल नहीं सकता, हम लोग मुझसे नहीं मिल सकता बाप। मैंने भी मतलब उनको लॉक किया हुआ है। क्यों बंद की है वो? वो बेटे के साथ क्यों नहीं मिलने देते? बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं मिलने देते? मलिक गुलाम बारी के बड़े बेटे राहिल बारी ने पहली शादी अदाकारा स्वीटी से की, जिसके बतन से अदाकारा जाना मलिक ने जन्म लिया। बाद अज़ां इख्तलाफात बढ़े तो राहिल बारी ने न सिर्फ स्वीटी को छोड़ दिया बल्कि अपनी बेटी जाना मलिक से भी लातालुकी का ऐलान कर दिया। राहिल बारी ने दूसरी शादी मारूफ अदाकारा मुमताज़ से की, जिसका असल नाम रिफत बेगम है। अदाकारा मुमताज़ उस ज़माने में सुपरस्टार थीं, जिसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर कहा जाता है। हुस्न और रानाई का पैकर समझी जाने वाली अदाकारा मुमताज़ को अपने नाम की मुनासबत से शोबिज इंडस्ट्री में वाकई मुमताज़ मकाम हासिल था। रक्स में महारत ने फिल्मी शायकीन को अदाकारा मुमताज़ का दीवाना बना दिया। फिल्म जिद्दी में वे छठ मेरी वीणी ना मरोड़ और फिल्म बनारसी ठग में अख लड़ी बदोबदी में मुमताज के जलवों ने समा बांध दिया। छठ मेरी वीणी ना मरोड़ बदोबदी करी दलई प्यार कच दिया बंधा ते न तोड़ छठ मेरी वीणी ना मरोड़ हर अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी चल नहीं किसने पहले अंजुम और फिर मुमताज़ के नाम से काम करने वाली रिफत बेगम ने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में बनने वाली फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि एक दौर में वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अदाकारा मुमताज़ पर फरिश्ता हो गए। अदाकारा मुमताज़ को एक सरकारी तकरीब में मदु किया गया। अदम शिरकत और हुक्म अंदूली पर संगीन नतायज की धमकियां दी गई। थाने में बंद करने का भी कहा गया, यहाँ तक के ज़बरदस्ती अगवा करने की कोशिश भी की गई। इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने इस वाक़या का जिक्र अपनी नज़म मुमताज़ में किया है। वो लिखते हैं, कसरे शाही से यह हुक्म सादर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, अपने होंठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो, मुंतजर हैं तुम्हारे शिकारी वहाँ कैफ का है समा, अपने जल्फों से महफिल सजाने चलो, मुस्कुराने चलो वरना थाने चलो, हाकमों को तुम बहुत पसंद आई हो, जहन पर छाई हो, जिस्म की लौ से शम्मे जलाने चलो, गम भुलाने चलो वरना थाने चलो। फिल्मी दुनिया में हीरोइन की उम्र बहुत थोड़ी होती है। अदाकारा मुमताज़ का शोबिज़ कैरियर भी ख़त्म हो रहा था, चुनाचे उन्होंने बारी स्टूडियोज़ के मालिक राहिल बारी से शादी करी। उनके हाँ दो बच्चे हुए, बेटा जिसका नाम ज़ेशान राहिल बारी रखा गया जबकि बेटी का नाम राबिया राहिल बारी है। इस दौरान किसी बात पर नाचाकी हुई तो अदाकारा मुमताज़ बच्चों के हमरा पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और फिर कनाडा चली गई। राहिल बारी और अदाकारा मुमताज़ में अलहदगी की वजूहात क्या थी, इसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। फिलहाल राहिल बारी की अज़दवाजी ज़िंदगी की रोदाद मुकम्मल करते हैं। राहिल बारी ने 1999 में तीसरी शादी फिल्मी दुनिया से हटकर शाजिया नामी एक पश्तून घरेलू खातून से की। उन दोनों के दो बच्चे हुए, बेटी राहिला राहिल बारी कारपोरेट लायर है जबकि बेटे रोहेल राहिल बारी अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। अदाकारा मुमताज़ जिनका असल नाम रिफत बेगम है, ये राहिल बारी से अलहदगी के बाद अमरीका और फिर कैनेडा चली गई। वहाँ उन्होंने इमिग्रेशन कंसल्टेंट खालिद कयूम आवान से शादी की। 26 अक्टूबर 1998 को अमेरिका में निकाह का अंदराज करवाते वक्त ये बयान हल्फी जमा करवाया गया कि रिफत बेगम की उनके साबका शोहर राहिल बारी से अलहदगी हो चुकी है। बाद अज़ां जब ये नौब्याहता जोड़ा पाकिस्तान आया तो रिफत बेगम यानी अदाकारा मुमताज़ ने कहा कि उनका ख़ानदान अमेरिका में होने वाली शादी को नहीं मानता, लिहाजा यहाँ सब के सामने दोबारा निकाह किया जाए। चुनाचे यहाँ दूसरी बार निकाह हुआ। बाद अज़ां जब खालिद कयूम आवान और रिफत बेगम कैनेडा मुंतकिल हो गए तो वहाँ भी इन दोनों ने अपनी शादी का अंदराज करवाया। दोनों की मुलाकात कब कहाँ और कैसे हुई और बात शादी तक किस तरह पहुँची, ये सब जानने के लिए हमने कैनेडा में मुकीम खालिद कयूम आवान से रब्ता किया। सलाम अलैकुम जी, लाल भाई क्या हाल है? आपने मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे थे आपने, तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला आपने पूछा था कि मेरी मुमताज़ से मुलाकात कैसे हुई थी,
हुआ यूँ था कि हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा भी हैं, खबर नहीं माशमी साहब, जंग के चीफ एडिटर थे। तो अभी तो मेरी उनसे मुलाकात काफ़ी अरसा हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी एक आर्टिस्ट है, इनका भाई घुमा हुआ है अमेरिका में, इसको ढूंढ के देना है। तो उस चक्कर में मुमताज़ यहाँ पे आई, तो उनका भाई जो सा था वो चेक किया हमने, तो वो ड्रग बेचता था सड़क पे, ये जो दो चार सिगरेटें वगैरह होती हैं, तो खालिक नाम है उसका, तो वो उसमें पकड़ा हुआ, तो वो उन्होंने कुछ 6 माह साल रखे तो उसको डिपोर्ट कर दिया। इसी अरसे में मुझे मुमताज़ ने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मेहरबानी की तुम इसी शादी कर लो और यहाँ पर मैं साथ रहूँगी। पर मुझे पता है कि हम लोग जो उनसे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है माशरे में, लेकिन जिस तरह तुम्हारा मैंने रख रखाव देखा है, उठने बैठेंगे बात, तुमने मुझसे इतने अरसे हफ्ते में कोई गलत बात नहीं की। तो मैंने उससे वजह पूछी कि शादी करने के तो बहुत से बंदे हैं तुम्हारे साथ उधर करने को तैयार, और शादी तुम्हारी हुई, उसने कहा डिवोर्स हो गया, और उसकी वजह उसने ये बताई मुझे। अब अल्लाह जानता है उसको, मैं तो अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि जो अब उसने जो बताया, उसने कहा एक तो यह कि मेरी बेटी जवान हो रही है और उसका भाई है खुरम बारी, और वो खुरम बारी जो उनसे वो मेरी बेटी पे आँख रखता है, वो एक तो वो मसला है। फिर उसने कहा कि मैं दुबई में गई थी सुसर से मिलने एक दफ़ा, तो वहाँ पर मैंने अपने खावंद को और जो उसकी स्टेप मदर सलोनी, उसको मैंने हालत गैर में देखा, ये मसला था। फिर उसने कहा कि एक केस चल रहा था जो उनकी गुलाम बारी की जो बहन थी सैमा खलबन नाम है उसका, और वो अनास भट्टी के बड़े बेटे से ब्याई हुई है, तो उसने उसकी शादी पहले हुई थी लंदन में, बेटी थी, फिर वापस आगे से की, उसने भी एक किया था कि दावा दायर किया है जो कोर्ट में है कि मेरे बाप ने मुझे अटैम्प्ट रेप किया है। तो मैं इस चुंगले में फंस गई हूँ, और मुझसे जो भाई हैं और जो माँ बस्ती काम करवाते हैं मूवीज़ में, तो मैंने कहा ठीक है अल्लाह खैर करेगा, जो मैं कर सकता हूँ स्नेकी में सर डाल सकता हूँ, तो वो मैंने फिर इस तरह हमारी शादी हो गई। अब बड़ा मज़े की बात हुई है कि उसके बाद मैं 3 साल 3.5 साल शादी रही हमारी, हम इकट्ठा उमरा करने गए, वापस आए तो मुझे 9/11 में पकड़ लिया गया। तो उसमें वो लाइन ऑफ ड्यूटी केस था ISI से मिल के हम वो इंडिया पे अटैक था उस पर, खैर उसकी तो बात फिर कभी फिर करेंगे, क्योंकि वो तो पूरी एक मैंने बुक लिखी है माई जर्नी फ्रॉम अटर्नी टू क्रिमिनल, वो इंशाल्लाह तैयार हो गई है, बस से 1-2 माह में आनी चाहिए मार्केट में। तो उसमें बहरहाल वो मसला था, मैं पकड़ा गया, उसके बाद ये फिर मेरे से डिसकनेक्ट हुई, कनेक्ट हुई, तो मैं जब कैद से वापस आया तो फिर हम 4-5 साल यहाँ पे इकट्ठे हम रहे। इस दौरान 23 अक्टूबर 2001 को अमेरिका में खालिद कयूम आवान को 11 सितंबर के हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 17 बरस कैद काटने के बाद खालिद कयूम आवान जून 2018 में रिहा हुए तो कनाडा में अपनी अहलिया रिफत बेगम अलमारूफ मुमताज के साथ हंसी खुशी रहने लगे। एक बार बैंक बैलेंस के हवाले से दोनों में नाचाकी हुई तो रिफत बेगम ने कनाडा में तलाक का केस फाइल किया, मगर फिर मुसालत हो जाने पर यह केस वापस ले लिया। 2024 के आगाज में रिफत बेगम अचानक अपने बेटे ज़िशान राहिल बारी को लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। ज़िशान राहिल बारी जो कनाडा में कमर्शियल पायलट है, बज़ाहिर पाकिस्तान वापसी का मकसद उन्हें फिल्मी दुनिया में बतौर हीरो लॉन्च करना था, लेकिन हकीकत में ये सब कीमती जायदाद में हिस्सा वसूल करने की कोशिश थी। अब यहाँ से मसला ये स्टार्ट हुआ कि मेरे आने के बाद मैंने जब इससे पूछा कि मेरे एक जॉइंट अकाउंट में $4.5 लाख थे, तो मुझे दो मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ, तो पहले तो हील उजित किया इसने कि बच्चे तुम्हारे हैं, इसके हैं, उसके हैं, तो उन्हीं के खर्च हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो वो जब खर्चा हुआ तो इसने मुझे फिर डाइवोर्स फाइल कर दिया कोई 1.5 साल के बाद। जब वो केस चला तो फिर इसने हर तरह फॉर्म भरा, इसमें मैंने कहा मेरा तो वाइट मनी था, ये तो साबित नहीं कर सकती, तो इस पर 17 साल इसने यूज़ किया तो इसका वो भी साथ दिया जाए, इसका इंटरेस्ट भी दे जाए। तो उसने वो सुलह करके फिर मेरे पास 2-2.5 साल वापस आके रही मेरे पास, और फिर अभी इसने कहा कि मैं वापस जा रही हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे का मसला एक्चुअली ये था कि अल्लाह माफ़ करे, इस मुल्क में तो ये आम सी चीज़ है LGBTQ लेस्बियन गे ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल क्वियर के नाम से, तो यहाँ तो बच्चों को स्कूल में क्लासेस देते हैं, तो यहाँ तो ये बुरी नहीं मानी जाती, लेकिन जो हमारा कल्चर है और जिस तरह हमारा रख रखाव और मजहबी और जो बाइंडिंग है उसमें तो ये चीज़ बिल्कुल ममनू है। लेकिन बच्चा इसका जो सा था ना, उसकी माशाल्लाह 40 साल एज है,
चार उसके बच्चे हैं और उसने वो गे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया। तो इसने मुझे कहा कि मैं वापस जा रही हूँ, तो वहाँ पे जाके थोड़ा कल्चर में रहेगा, ये थोड़ा सा समझेगा बात को, तो इसको थोड़ा सा अकल इसको आएगी। तो बातें हो रही थी, कहती हैं वहाँ भी आया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। गालबन को इरफान खोसट एक्टर वहाँ पे गालबन ही थे वहाँ पे, मैं इनको जानता हूँ उनको, उनका कोई बेटा सरमद है, वो तुम खाए मेरे बाद आया होगा, वो भी गे हो गया, तो ये वहाँ पे रहेगा। लेकिन मज़े की बात देखिए, जैसे ये वहाँ पे गई है तो वो जो इसका गे दोस्त था, मुझे पता नहीं इसमें दोनों गे में से वाइफ कौन है और हस्बैंड कौन है, तो बहरहाल जैसे ही वहाँ पे गया तो वो लड़का भी पीछे चला गया, गंजास है, उसकी मैं आपको वीडियो भी भेज रहा हूँ, तो वो यहाँ चला गया कि यहाँ किसी गवर्नमेंट इदारे में जॉब वॉब करता है वो। तो मैं तो सिर्फ दो दफ़ा मिला हूँ उससे, एक दफ़ा एयरपोर्ट पर, एक दफ़ा खाने पर बुलाया था उसने, तो यह अभी उस चक्कर में चला गया है, उसको हीरो बनाना है, तो 40 साल का वो बच्चा है, चार उसके बच्चे हैं, तो इस चक्कर में उसकी बेगम ने भी थोड़ा सा अपने आप को ये कहा है कि अपने आप को थोड़ा सा उन्हें एक्सपोज किया था कि शायद उसको थोड़ी गैरत आ जाए, तो उसने कहा कि गो एड, मुझे तुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद ये सिलसिला चला, फिर इनके कई मामले अंदर के हैं जो कई मुझे नहीं भी बताते ये। जब राहील बारी ने मुमताज़ बेगम और ज़ेशान राहील बारी को मिलने से इनकार कर दिया तो मुमताज़ बेगम ने अदालत में हमसे बेजा की दरख्वास्त दायर कर दी और दावा किया कि वो राहील बारी की पहली बीवी है और उन्हें दूसरी बीवी शाजिया राहील बारी और बेटे रोहेल राहील बारी ने गैर कानूनी तहवील में रखा हुआ है और मिलने नहीं दिया जा रहा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजीदा अख्तर की अदालत में इस्तदा की गई कि राहील बारी को बाजियाब करवाया जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने SHO इकबाल टाउन को रोबकार जारी कर दिया और हुक्म दिया कि मगवी राहील बारी को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। राहील बारी ने अदालत में पेश होकर बयान दे दिया कि वो अपनी मर्जी से हंसी खुशी बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही वो अपनी सबका अहलिया मुमताज़ बेगम या उनके बेटे से मिलना चाहते हैं, चुनाचे ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई। मगर इस मामले ने तब एक नया रुख ले लिया जब कनाडा से खालिद कयूम आवान ने थाने में दरख्वास्त दे दी कि उनकी बीवी रिफत बेगम कनाडा से $4,00,000 लेकर पाकिस्तान आ गई है और यहाँ सबको बताती फिरती हैं कि उनकी राहील बारी से कभी तलाक हुई ही नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने निकाह पर निकाह किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जब पुलिस हुकाम ने मुमताज़ बेगम को तलब किया तो उन्होंने कोई वाज जवाब नहीं दिया और महज ये कहने पर इक्तफा किया कि अगर उन्होंने निकाह पर निकाह किया है तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक राहील बारी को है। इस दौरान एक और अजीबोगरीब इंकशाफ ये हुआ कि रिफत बेगम अलमारूफ मुमताज़ बेगम ने दो मुख्तलिफ मकामात पर अपने वालिद का नाम ही बदल डाला। खालिद कयूम आवान के साथ निकाह के मौका पर तो उनके वालिद का नाम रिफत कज़लबाश वल्द अमीर हुसैन कज़लबाश लिखा गया, लेकिन जब उन्होंने 2017 में लाहौर के यूनियन कौंसिल में सालसी कौंसिल के जरिए चुपके से खुला का सर्टिफिकेट हासिल किया तो वहाँ अपने वालिद का नाम अब्दुल वहीद भट्ट लिखवाया। जो शादी थी वो पहले तो अमेरिका में की गई, जब वो निकाह हो गया वहाँ पे, फिर जब हम पाकिस्तान आए तो इसकी माँ ने कहा कि एक शादी मेरे हमारे सामने करें, निकाह वहाँ पे हुआ तो खुला इसने उस केस पे लिया, फिर यहाँ पे आए तो ये इमिग्रेशन केस ने कहा कि मैंने एक मेरी मूवी थी यहाँ से वहाँ तक 70s के अंदर, तो उसके अंदर वो अभी तो माशाल्लाह खुद भी 72 की है, वो मुझसे कोई 8 साल 7 साल बड़ी है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उनसे बड़ी इस उम्र में भी अपनी कब्र को ये गंदा कर ली है। और मेरी बात एक दफ़ा रहील साहब से हुई, रहील साहब कहे थे कि वो मुझे तो लगता ही नहीं वो बेटा मेरा, तो मैं थोड़ा सा काम में मसरूफ़ हूँ तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं कह जी फिर आपका कोई शक तो होगा, इतनी बड़ी आपने बात अपने ऊपर ही कर दी। कहते हैं मुझे लगता है चौधरी अजमल एक होता था, वो आप मूवी देखें खिलाड़ी बदोबदी वाला गाना जो सा था, तो उसके अंदर वो अनक वाला बंदा बैठा हुआ है, तो मैंने कहा जी वो काला सा था, तो ये लगता है उसे कहते नहीं काला था कि चिट्टा था, लेकिन माँ तो गोरी थी ना, वो जीन तो आप किसी तरह से भी आप जा सकते हैं, तो वो बड़े अच्छे से आदमी है शरीफ से वो, तो पहले तो इसने काफ़ी बदनाम किया ये माँ, अब वो उनके साथ जाके रह पड़ी है। तो दूसरा बहरहाल जो आपने बात पूछी थी इमिग्रेशन के मतलब, वो उसमें यह है कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहलाता है। अभी इसने जो SP ऑफिस में जो बयान दिया है, जो राइटिंग में आया, उसने SP ने पूछा इससे मॉडल टाउन थाने में कि आपका खावंद कौन है, तो इसने कहा मुझे तो खुद पता नहीं कि कौन खावंद है मेरा, तो ये इन राइटिंग में बयान है, वो भी मैंने आपको कॉपी भेजी हुई थी। तो अभी वो केस जो अभी चल रहा है, तो बाकी इमिग्रेशन का जहाँ तक तल्लक है वो तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस से में आ जाता है ये कि
क्योंकि इसने काफ़ी झूठ बोले हैं और पूरी दुनिया में यह है कि जो हर हर जुर्म का एक स्टैचू होता है 5, 8 या 10 साल उसके बाद अगर पता भी चल जाए तो वो केस नहीं होता। लेकिन जो दो चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैं खुद इमिग्रेशन अटर्नी हूँ, तो उसमें दो चीज़ें जो होती हैं उसमें स्टैचू नहीं होता। एक तो आप कोई मर्डर हो जाए कहीं पे, वो 100 साल के बाद भी निकला है तो उसको वो क्लोज करते हैं उसका कंक्लूजन करके, और दूसरा एफिडेविट गवर्नमेंट को अगर आप जुड़ा दे दें तो उसका कोई स्टैचू नहीं होता। तो इसने एफिडेविट दिया हुआ है कि मैं यहाँ पे कभी नहीं आई, जबकि मूवी भी बनाने यहाँ पे आई। फिर इसने और बयान दिए कि बच्चे मेरे पाकिस्तान पैदा हुए जबकि लंदन में पैदा हुए हैं, और उसके बाद इसने ये कहा कि मैं मुल्क से कभी बाहर नहीं गई कनाडा आने के बाद सिटीजन लेने के, इस तरह के बेशुमार झूठ हैं इसके। फिर जैसे इसके निकाहनामों के झूठ हैं, तो अभी इसने खुद कह दिया कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, तो वो तो, लेकिन उसमें 1.5 साल का टाइम तो लगता है उसके अंदर। लेकिन यह है कि वो इंशाल्लाह थोड़ा सा बुक में मसरूफ ख़त्म करने में, तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज में मैं उसको फाइल कर दूंगा उसको। बारी स्टूडियोज की अराजी जो शुरू में 120 कैनाल थी, अब शायद 92 कैनाल रह गई। राहिल बारी की अपने छोटे भाई खुरम बारी के साथ 14 साल लड़ाई रही। बारी स्टूडियोज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए चला जाता है, राहिल बारी और जर्क बारी दोनों इसके CEO रहे। खुरम बारी उन्हें हटाकर खुद CEO बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी साबका भाभी यानी रिफत बेगम अल मारूफ मुमताज बेगम से हाथ मिला लिया। इतलात ये हैं कि आजकल बारी स्टूडियोज पर अमलन खुरम बारी और मुमताज बेगम काबिज है, और किरायादारों से माहाना किराया जो तकरीबन 60 लाख रुपए माहाना बनता है यही वसूल कर रहे हैं। ये थी बारी स्टूडियोज और अदाकारा मुमताज की दास्तान। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल उरी को इजाजत दीजिए, किसी नई दास्तान के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332-8410537 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।